चैन लॉन्ग टर्म शेयर्स LTS में। आज हम दो कंपनियों के बारे में बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, रिटर्न वाइज कंपेयर करेंगे। हालांकि कंपैरिजन उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि हैवेल्स लीडर है, हैवेल्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स में है, वायरसेल केबल्स की कंपनी है और KEI इंडस्ट्री भी मेजरली केबल्स में है, वायर्स एंड केबल्स। दोनों पीयर कंपनी, मतलब दोनों एक ही कॉम्पिटिशन की कंपनियाँ हैं और देख लेते हैं रिटर्न वाइज कौन बेहतरीन थी, किसने कितना अच्छा रिटर्न बना के दिया है और बाकी जो डिटेल्स में प्रोडक्ट वाइज है, मैंने दोनों के वीडियोस बनाए थे अपने चैनल्स पे कि विस्तार पूर्वक उनके बारे में बताया था क्या क्या बनाते हैं, कौन कौन सी वायर एंड केबल्स के अलावा। तो उसमें हैवेल्स जो है लार्ज कैप कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है और लीडर है। अभी थोड़ा सा उसके नतीजे अच्छे नहीं हैं, तो काफ़ी गिरावट भी उसमें देखी जा सकती है। तो ओवरऑल पहले हम बात करते हैं KEI इंडस्ट्रीज़ के कुछ बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम हैवेल्स के, फिर दोनों का कंपैरिजन का हम चार्ट देखेंगे। तो KEI इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड आज 510 रुपये के भाव पे, इसकी लास्ट क्लोजिंग थी कल फ्राइडे को, आज मार्केट बंद है, आज शनिवार है 23 नवंबर 2019। और जो साल का लो बनाया था 305, हाई गया था 610, वर्तमान प्राइस 510, बीच में ट्रेड कर रहा है। रिटर्न वाइज अगर हम एक वर्ष के देखते हैं 47% से ज़्यादा के हैं पॉजिटिव और सिक्स मंथ में भी 23% के आसपास के यहाँ पे रिटर्न्स मिल रहे हैं। पी रेशियो 17.77, अर्निंग पर शेयर 28 का है और प्राइस टू बुक 4.56, डिलीवरी 68% के आसपास, डिविडेंड पे करता है और 2 रुपये की फेस वैल्यू वाला है। मार्केट कैप है इसकी 4,062 करोड़ की। और अगर साथ ही साथ हम इसका भी देखते चलें आपका, नहीं पहले हम नतीजे दिखा देते हैं आपको, नहीं तो बहुत ही मिसमैच हो जाएगी चीज़ें। तो पहले KEI के हम देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि नंबर स्पष्ट दिख सके। ओके, हाँ, यहाँ पे स्टैंड लोन के हम जो है इनकम स्टेटमेंट देख रहे हैं। तो जो नेट सेल्स थी इनकी जो है सितंबर पिछले वर्ष यानी कि 996 करोड़ की, तो इस वर्ष के क्वार्टर में होगी सितंबर 2019 के 1230 करोड़, यानी 23% की जो है ग्रोथ है। इसी प्रकार से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 21% से ज़्यादा की ग्रोथ है और थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा है। और जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, जो पिछले वर्ष था 41 करोड़ के आसपास, वहीं इस क्वार्टर में हो गया इस वर्ष के 76 करोड़, यानी कि 84% से ज़्यादा की यहाँ पे जो है जंप है। और मार्जिन देखते हैं, अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो पिछले वर्ष हालांकि 10% से ज़्यादा था, इस बार सिर्फ 9.94% के करीब सिमिलर ही हैं, थोड़े से कम है। तो मार्जिन थोड़ा सा यहाँ पे इनके कम दिख रहे हैं। और अगर हम इनके कुछ क्वार्टर के देखते हैं, क्वार्टर वन से क्वार्टर टू में कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे नेट सेल्स में अगेन यहाँ पे 13% से ज़्यादा की बढ़त है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 7% ज़्यादा की बढ़त है और नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे अच्छे दिख रहे हैं, 66% से ज़्यादा की जो है बढ़त है और मार्जिन भी सिमिलरली मेंटेन किया हुआ है। एनीवेज, और अब हम देख लेते हैं हैवेल्स इंडिया के। तो हैवेल्स इंडिया के पहले नतीजे देखते हैं, फिर हम प्राइस वगैरह बात करेंगे। देखो 638 रुपये के भाव पे ट्रेड हो रहा है। तो जो इनको इनके क्वार्टर वन और क्वार्टर टू में अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो काफ़ी गिरावट है, जो कि 17% से ज़्यादा की नेट सेल्स में, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ करीब 15% से ज़्यादा की गिरावट है और इंटरेस्ट तो बढ़ा ही है, प्लस जो नेट प्रॉफिट है स्टैंड अलोन में, तो नेट प्रॉफिट ज़रूर बढ़ा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, जो 173 करोड़ की हुआ करती थी सितंबर 2019 में, हो गई क्वार्टर टू में 181 करोड़ की, यानी 4.29% की। और मार्जिन भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर बढ़ा है मामूली सा 0.33%, और मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 10% के आसपास दोनों क्वार्टर में। अगर हम साल दर साल देखते हैं सितंबर 18 के क्वार्टर से सितंबर 19 के, तो नेट सेल्स में ज़रूर यहाँ पे मामूली सी बढ़त है, पिछले क्वार्टर में जो थी 2190 करोड़ की, इस बार हो गई 2230 करोड़ की, 1.80% की अपसाइड है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 10% की गिरावट है और नेट प्रॉफिट में यहाँ करीब करीब थोड़ी सी जो है मामूली सी बढ़त है, इस बार 181 करोड़ हो गए और पिछले वर्ष के क्वार्टर में थी 178 करोड़ सितंबर 18 में। मार्जिन अगेन यहाँ पे जो है पिछले वर्ष हालांकि 11% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था और इस वर्ष के जो 10% के आसपास रह गए, 1.49% मार्जिन में भी इनको यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान है। और अगर हम कुछ और बेसिक चीज़ देख लेते हैं हैवेल्स इंडिया, कुछ प्राइस और रिटर्न वाइज भी अगर हम, तो हाँ, हैवेल्स इंडिया 638 रुपये के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और लो गया था 622, हाई 806, तो यानी कि अपने लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी एक नीचे के लेवल पे मिल रहा है।
एक वर्ष में यहाँ पे कोई इनको यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न नहीं है, 4.67% का लॉस ही है, और 6 महीने पहले जिन्होंने पैसे लगाए होंगे उनको भी 15% ज़्यादा का जो है नुकसान हो रहा है। पी रेशियो आता निकल के तो 53 का है, अर्निंग पर शेयर है 12.101 की, और प्राइस टू बुक है 9.39 का, डिलीवरी इसके 23% और डिविडेंड पे करता है। मार्केट कैप है 40,000 करोड़ के आसपास का, एक लार्ज कैप कंपनी है और फेस वैल्यू 1 रुपये की है। तो ये अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो मुझे लगता है KEI थोड़ा सा उसमें अट्रैक्टिव लग रहा है, वैल्यूएशन वाइज और प्राइस वाइज तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर देखा जाए तो पी रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा इस कंपनी के मुकाबले में वो थोड़ा सा आकर्षक लग रहा है। तो ओवरऑल अगर हम इस चार्ट पैटर्न पे चलते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 2010 से इन दोनों कंपनियों में से किसने कितने परसेंट के रिटर्न बनाए हैं, तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। और 2010 से अगर हम देख रहे हैं, तो आज की डेट में KEI इंडस्ट्री जो है करीब करीब 1533% के रिटर्न दे रही है, और हैवेल्स इंडिया 1923% के, यानी कि दोनों मल्टीबैगर साबित हुए हैं पिछले करीब 9 सालों में। 2010 से अगर हम पकड़ रहे हैं, 2019 चल रहा है, करीब करीब 9-10 सालों में, तो लंबे समय में दोनों कंपनियों ने बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, और दोनों कंपनियां काफ़ी बेहतरीन उनके प्रोडक्ट्स हैं और काफ़ी डिमांड है, क्योंकि वायरसेल केबल्स चाहे टाउनशिप हो, चाहे बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे किसी भी इंडस्ट्रीज़ के कामकाज हो, वायर केबल्स का बिछाना इंडस्ट्रीज़ में लगाना, नई इमारतों में लगाना, तो बहुत सारी डिमांड बनी रहती है। प्लस हैवेल्स जो है, हैवेल्स थोड़ा सा प्रोडक्ट वाइज काफ़ी ज़्यादा है KEI इंडस्ट्री से, लेकिन दोनों कंपनियां मुझे बेहतरीन लग रही हैं। डिपेंडेंसी है कि आप अपनी अपनी रिसर्च करके किस कंपनी में आप का रुझान होता है ख़रीदने का या रखने का, अगर पोर्टफोलियो में आपके नहीं है। एक पॉलीकैब इंडिया भी अभी हाल ही में अप्रैल के आसपास उनकी लिस्टिंग हुई थी, तो वो भी एक कंपनी है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं चाहूँगा तो जो मेरा रुझान है तो हैवेल्स इंडिया जो है, क्योंकि हम लीडर के साथ जाएंगे। हैवेल्स इंडिया के भले ही अभी नतीजे अच्छे नहीं आए हैं, तो हो सकता है कि मांग इतनी रही ना रहा हो, नेट सेल्स में भी गिरावट है, उसी के अकॉर्डिंग उनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इन सब में भी गिरावट है। तो गिरावट में ये होता है कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस गिरता है साल के लो के आसपास, तो थोड़ी थोड़ी उसमें ख़रीदारी बनती है, लेकिन अभी नहीं फ़िलहाल, क्योंकि ओवरऑल और वेट किया जा सकता है कि मुझे लगता है आने वाले समय में अगर पूरे भारतीय बाज़ार में किसी कारणवश गिरावट हुई तो और भी नीचे के लेवल पे थोड़ी स्टॉक प्राइस गिर सकती है, तो उस समय एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि हमारे जो फेवरेट स्टॉक्स हैं अपने पोर्टफोलियो में, उनमें थोड़ी सी भराई की जा सकती है, ख़रीद खरीद के थोड़े थोड़े रखे जा सकते हैं SIP मोड पर। तो ये रहा आज का KEI इंडस्ट्रीज़ और हैवेल्स इंडिया। इनके पूरे डिटेल्स तो मैंने आप लोगों के समक्ष नहीं रख सकता, क्योंकि बना चुका हूँ ऑलरेडी, क्वार्टर के नतीजे अपडेट करना था मुझे इस मकसद से, और रिटर्न वाइज थोड़ा सा बताना था किस प्रकार के रहे। ओवरऑल जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।